हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंप्यूटर क्लासेस अगेन। सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और टाइप्स कौन कौन से थे आपके पास? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड द लास्ट वन इज कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये अलग अलग टाइप कैसे बने अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखो, जो पैन है उसका जो ज्योग्राफिकली लिमिट होती है वो एक रूम तक ही होती है। जैसे एक रूम में आप ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो, तो वो वाईफाई एक लिमिट तक ही आपको रेंज आती है, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या कहीं पे भी। देन उसके बाद थोड़ा सा अगर बड़े लेवल का लेते हो तो हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया। जैसे कि पूरी बिल्डिंग में कनेक्टिविटी शो होती है जिस चीज की, वो हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, जिसकी कनेक्टिविटी पूरे सिटी में एस्टेब्लिश हो सकती है, उसको हम मैन के अंडर लेके आते हैं। वैन, वाइड एरिया, ऐसी कनेक्टिविटी जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकती है आपको किसी भी कंट्री के साथ, तो उसकी एग्जाम्पल है इंटरनेट, वो था वैन। और कैन, कैंपस एरिया में हमने पढ़ा था, जैसे कि ये कैंपस है, कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर्ट्स, आर्ट्स का अलग से कैंपस हो गया, कॉमर्स कैंपस हो गया, मेडिकल नॉन मेडिकल हो गया, तो इस तरह से हर एक कैंपस को, हर एक बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना, तो वो कैन काम करता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। सो बेटा, टुडेज टॉपिक इज टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी रेफर्स टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स इन अ नेटवर्क। आपको भी पता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में लगे होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं, तो कहते कंप्यूटर भी बोला, इन्होंने नोड्स भी बोला, उसी को बोला। ऐसे कंप्यूटर और नोड जिनको हम ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में लगाते हैं, जैसे कि द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ द टॉपोलॉजी आर कॉस्ट, फ्लेक्सीबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसके जो मेन फैक्टर है इस टॉपोलॉजी के क्या है? कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं भी, कौन सी टोपोलॉजी में कितनी कॉस्ट लगती है, कौन सी टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल है, कौन सी रिलायबल है। तो बताऊंगी मीनिंग क्या होते हैं फ्लेक्सिबल और रिलायबल के। देयर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। हमारे पास फाइव टाइप की टोपोलॉजीज हैं। कंप्यूटर्स कनेक्टेड कैसे हैं उसी चीज को बताया गया है इसमें। फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी। बस नेम से पता लग रहा है, जैसे ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉमन पाथ, एक सिंपल सीधी लाइन है, देखो ये बस की तरह, इस लाइन के साथ सारे कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं तो उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। बहुत ही सिंपल एंड इजी है मेंटेन करना, क्योंकि कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल एक बस है, बस के साथ जितने मर्जी कंप्यूटर आप अटैच करते जाओ। एडिशनल नोड्स कैन बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। वही बात है, जितनी आपकी लंबी बस है आप एडिशनल कंप्यूटर जितने मर्जी इसमें ऐड कर सकते हो, जहां पे मर्जी। बट दिस टोपोलॉजी सफर्स फ्रॉम अ मेजर डिसएडवांटेज दैट फॉल्ट डिटेक्शन इन द टोपोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट। कहते इसमें एडवांटेज तो है भी, आप जितने मर्जी कंप्यूटर अटैच कर लो कहीं पे मर्जी, पर डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फॉल्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है भी कहां पे फॉल्ट है अगर कोई आता है, और इफ अगर आपकी ये बस खराब होती है तो सारा सिस्टम आपका खराब हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा रिंग टोपोलॉजी। रिंग नेम से पता लग रहा है, जब कंप्यूटर्स इस तरह एक रिंग में अटैच होते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ, मींस वन नंबर टू से कनेक्टेड है, टू नंबर थ्री से, थ्री नंबर फोर से, फोर नंबर फाइव से, एंड फाइव नंबर अगेन वन से, तो ये रिंग बनता है। द मैसेज आर ट्रेवल्ड इन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। अब देखो, वन नंबर ने फोर नंबर को मैसेज भेजना है, तो मैसेज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आपको पता है इस तरह से घूमेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूं तो इस तरह से घूमेगा, फाइव से शुरू होगा, फाइव के बाद सीधा फोर आ जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज बोलोगे तो वन से टू में, टू से थ्री में, थ्री से फोर में, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। एनी डैमेज टू द केबल ऑफ एनी नोड और डिवाइस कैन रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ द होल नेटवर्क। पर इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज थी, अगर मान लो ये वाली वायर खराब हो गई तो इसने अगर इसको मैसेज भेजना है तो सारा ही सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक की भी बीच से वायर डिसकनेक्ट हो गई तो कनेक्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी सेंट्रल नोड एक्ट एज अ हब टू विच ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड। ये बीच वाले को कहते हैं हब,
जिसके साथ सारे बाकी कंप्यूटर अटैच होते हैं। जैसे देखो मैंने पहले भी बताया था, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें जितने पोर्ट बने होते हैं उतने कंप्यूटर्स को हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर मोर डिवाइसेज एंड केबल। तो जैसे बस में और उसमें स्टार में भी हम जितनी मर्जी डिवाइसेज और केबल्स को लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड है इसके लिए। जितनी ही कंप्यूटर है उतनी वायर चाहिए, 10 और 10 वायर चाहिए, 11 कंप्यूटर, 12 कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर है उतनी वायर आपको चाहिए। इन एडिशन, द एडिशन ऑफ अ न्यू नोड टू अ स्टार टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट एज इट इन्वॉल्व अ कनेक्शन ऑल द वे टू द सेंट्रल नोड। अब जब नया नोड लगाना पड़ेगा तो हब में उसकी एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इसमें हब खराब हो जाए तो सारा सिस्टम आपका खराब। ट्री टोपोलॉजी, नोड्स आर कनेक्टेड एज ब्रांचेज ऑफ द ट्री वेयर हब एक्ट एज अ रूट नोड। ये देखो हब है, हब क्या है, एक रूट की तरह काम करता है। एक हब आगे कितने हब से मिला हुआ है, 3 हब से मिला हुआ है और एक कंप्यूटर से। फिर वो वाला हब आगे 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, फिर सेकंड वाला हब आगे फिर 2 को करता है, फिर थर्ड वाला हब आगे फिर 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो इसको कहते हैं ट्री बन रहा है एक तरह से। सिंपल है नेचर में एंड इजियर टू एड और रिमूव द फॉल्टी नोड। हमें पता लग जाएगा कौन सा कंप्यूटर खराब है, हम उस हब को चेंज कर सकते हैं अगर इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है या इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। बट डिसएडवांटेज क्या है, इफ द रूट नोड इज फेल, अगर ये टॉप वाला रूट ही आपका फेल हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनऑपरेबल, खराब हो जाएगा। मैच टोपोलॉजी, नेम से पता लग रहा है बिल्कुल ही कंजेस्टेड कंफ्यूजन है सब में। एवरी सिंगल नोड इज अ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द ऑल द अदर नोड्स और कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर है, सपोज इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक कंप्यूटर बाकी सारे पांचों से जुड़ा हुआ है। देखो इसके साथ भी वायर है, इसकी नीचे वाले के साथ भी है, इसके साथ भी है, थर्ड के साथ, 2 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। फिर 1 के पास, चलो 1 की इसके साथ भी है, 1 की 3 के पास, 4 के पास, 2 के पास एंड 5 के पास। तो सबके साथ हर एक नोड के साथ कनेक्टेड है। तो पहले तो देखो कितनी वायर्स इसमें लगेंगी, तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, कॉस्टली पड़ता है ये हमें। देयर इज अ मिनिमल चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ दिस टोपोलॉजी। इसमें ब्रेक डाउन की नहीं गुंजाइश होती। क्यों? अगर मान लो कोई कंप्यूटर खराब है, अगर ये वायर इसकी खराब हो गई तो दूसरे कंप्यूटर से काम चल जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बाकी चारों से भी तो कनेक्टेड है। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात नहीं हो रही है, वायर खराब है, तो वो बाकी सब चारों से अपना काम करवा लेगा। तो दिस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन द लैंड, लैंड में ये टोपोलॉजी ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस द ओवरऑल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पूरे कंप्यूटर को डिजाइन करना, नेटवर्क को डिजाइन करना। टू टाइप्स के हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर क्या है, इन दिस नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट यूजेस द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम और शेयर द डाटा। देखो ये पीयर टू पीयर है, जैसे मैश किया था हमने, हर एक कंप्यूटर बाकी हर एक कंप्यूटर से अटैच है। 1 वाला बाकी चारों से अटैच है, 2 वाला बाकी चारों से अटैच है। ईच कंप्यूटर इज कंसीडर टू हैव द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट लाइक अ सर्वर टू द अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। जैसे इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से कुछ टॉक करने है या कम्युनिकेट करना, डाटा सेंड करना है, तो ये इसका सर्वर बन के काम करेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की आपस में होगी, डाटा सेंड करने की, डाटा रिसीव करने की। इट वर्क्स वेल इन स्मॉल एनवायरमेंट। ऐसे कंप्यूटर छोटे नेटवर्क में, छोटे इन्वायरमेंट में हेल्पफुल होते हैं, बड़ों में ये एस्टैब्लिश करने मुश्किल है, क्योंकि हर एक के साथ कनेक्टिविटी देना बहुत मुश्किल है। क्लाइंट सर्वर, इसमें एक सर्वर होता है बेटा मेन कंप्यूटर, और उसके साथ बाकी सारे जो जुड़े होते हैं उनको क्लाइंट्स कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू। जैसे लैपटॉप जुड़ा हुआ है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये एक ही सर्वर के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर। इन विच वन कंप्यूटर इज डेजिग्नेटेड एज द सर्वर, एक कंप्यूटर को सर्वर बनाया जाता है, एंड ऑल द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। बाकी कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कहते हैं जो सर्वर के साथ जुड़े होते हैं। द क्लाइंट्स आर रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, जो भी उनको काम करना है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको वर्ड यूज करना, इंटरनेट यूज करना, एनीथिंग। तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल सर्वर में होते हैं, यूजेस सारे डिवाइसेज उसकी कर सकती हैं। So this is called client server network. I hope better topologies and network architecture topic समझ में आया होगा। If you have any query regarding these topics, then you can ask in the live class. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.